हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो आज बेसिकली थोड़ी मस्ती वाली क्लास रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे हम लोग आज, ठीक है। आजकल तो इतने ज़्यादा कॉल्स आते हैं ना कि बच्चे मतलब बेसिकली कहें तो परेशान है, या तो कुछ डिप्रेशन की फेज में बेसिकली जा रहे हैं। कुछ लोग ये है कि घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, कुछ की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो ये कंप्लेंट्स ना बहुत ज़्यादा रेगुलरली मेरे पास आ रही है, ठीक है। तो इनको डिस्कस में थोड़ा सा करना चाह रहा था आप लोग से कि देखो परेशान ना होइए, ठीक है। जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर से चले थे, मतलब बेसिकली दिल्ली दिल्ली रहते थे, घर आए कि शायद 1 महीने तक लॉकडाउन रहेगा, 1 महीने बाद हम वापस दिल्ली चले जाएंगे। अब वो दिल्ली ना जा पा रहे हैं, ना उनके पास प्रॉपर नोट्स है, ना सारी चीज़ें हैं। बुक्स तो चलो कोरियर के थ्रू मंगा लेंगे, लेकिन जो नोट्स है जो घर में उनके लॉक है वहाँ पे दिल्ली, अब दिल्ली जा भी नहीं पा रहे हैं और दिल्ली से लेके आ भी नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो बेसिकली देखो, मैं आपको यही चीज़ कहूँगा, जितने मिनिमम रिसोर्सेज हैं आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए, और परेशान तो बिल्कुल ना होइए। मतलब डिप्रेशन में नहीं जाना है, परेशान नहीं होना कि लाइफ कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। उम्मीद ये रखा करिए कि सब अच्छा हो जाए। कोशिश किया करिए कि क्या हैप्पी रहने की, खुश रहने की कोशिश करिए, पहली चीज़। दूसरा ये, एक दो दोस्त ऐसे रखिए जिससे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको घर के अलावा, ठीक है। कभी 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 कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम घर पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा रखिए, आपको माइंड रिलैक्स देगा। प्लस निगेटिव लोगों से बचिए, जो आपको थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं या पॉजिटिव बातें करते हैं, उनसे आप बातें करिए, वो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेंगे। हाँ, बट जैसे आप 4 साल से तैयारी कर रहे हो, 3 साल से तैयारी कर रहे हो, आपका नहीं हो रहा है, अगर आप निगेटिव पर्सन से बात करोगे तो आपके दिमाग में क्या भरेगा? वो बस ओनली निगेटिव थिंग्स। सो उससे आप बचिए, ठीक है। जो वहाँ पर आपको मोटिवेट करेगा, नहीं हाँ आपको पढ़ना चाहिए, आपको ये चीज़ ऐसे ऐसे करना चाहिए, देन आप वहाँ पर उनको फॉलो करिए, उनसे बातें करिए, ठीक है। तो उनसे थोड़ी सी एनर्जी आपको मिलेगी। और डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिप्रेशन के फेज में कोई नहीं जाता, मैं खुद गया हूँ अभी, ठीक है। अभी पता नहीं क्या चल रहा है, बट ठीक है, अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सबके लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मस्त रह के पढ़ाई करनी है, ठीक है। और ठीक है, चलिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों दर्पण, राइट। तो उसमें हमने कॉन्केव पढ़ लिया था हमने, और आपका कॉन्वेक्स पढ़ लिया था, मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों हमने पढ़ लिया था। एक बच्चे ने एक मिरर फार्मूला पे हमसे कोई क्वेरी की थी, तो मैंने मिरर फार्मूला आपको क्या लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो? मिरर फार्मूला क्या लिखवाया था मैंने? मिरर फार्मूला जो था आपका, या दर्पण सूत्र बोलते हैं इसको, दर्पण सूत्र अगर आपको याद हो तो मैंने लिखाया था 1/F = 1/B + 1/U, सॉरी यू है, यही लिखवाया था मैंने, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेरी थी कि सर ये निगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ठीक है। तो पहले ये पॉजिटिव निगेटिव बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आवर्धन क्षमता भी बताता हूँ, मैग्नीफिकेशन क्या होता है थोड़ा सा वो भी टॉपिक बता देता हूँ। मुझे लग रहा है कि मैंने मैग्नीफिकेशन आपको नहीं पढ़ाया है, तो मैग्नीफिकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, वो भी आपके काम ही आएगा बेसिकली, ठीक है। तो देखो, एक चीज़ बेसिकली सिंपल से याद रखिए, जब भी हम कभी मतलब मिरर बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, देखो आप ये अवतल दर्पण बोलते हैं, इसका कॉन्केव मिरर बोलते हैं, तो उत्तल दर्पण बोलते हैं। बेसिकली हम लोग पहले ऐसे बनाते थे इसको, और इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सिस मान लो अगर, ठीक है, अगर इसको मैं वाई एक्सिस मान लूँ, तो देखो इधर आपका एक्स क्या होता था, जैसे अगर मैं सिंपल से मैथ्स की बात करूँ, ठीक है, तो ये आपका क्या होता था, एक्स एक्सिस होता था, ये आपका वाई एक्सिस होता था, इधर पॉजिटिव होता था, इधर निगेटिव होता था, इधर पॉजिटिव होता था, इधर निगेटिव होता था, यही तो बनाते हो आप एक्सिस में, राइट। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आप यही तो बनाते, तो ये आपका इधर पॉजिटिव होता था, ये पूरा एरिया इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जाओगे तो निगेटिव में जाता था, इधर जाओगे निगेटिव में जाता था, इधर जाओगे पॉजिटिव में जाता था। सेम इसको क्या मान लो आप, एक्सिस मान लो, जिसको हम पोल बोलते हैं ना, इस पोल को आप क्या मान लो, एक्सिस मान लो, ठीक है। तो आप देखो, पोल के अगर कोई चीज़ इधर होगी तो कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा। पोल के कोई चीज़ इधर होगी तो कैसा होगा, ये निगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर आपकी ऑब्जेक्ट इधर रखी है तो इधर रखिए निगेटिव साइड में, और इधर अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट आ रही है या इमेज बन रही है तो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अभी समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो इसमें होगा दोस्तों, आपका वी जो होगा, ठीक है, सॉरी यू, यू मैंने आपको क्या बताया था, यू क्या है यहाँ पे, ठीक है, यू मैंने बताया था ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब यू को मैंने बताया था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बताया था, या इसी को हम बोलते हैं वस्तु, ठीक है। और V को बताया था मैंने इमेज, इमेज फ्रॉम द पोल बेसिकली मान लीजिए, या मिरर मान लीजिए, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। अभी होता कैसे है, जैसे सपोज करो मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, तो जो खड़ा रहेगा पर्सन पहली बार, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं या वस्तु बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसी चीज़ें बनाई थी, आपको याद है,
यहाँ पे आपका फोकल पॉइंट हो गया, यहाँ पे सेंटर हो गया, यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया। अगर मैंने कोई चीज़ मान लीजिए सेंटर पे खड़ा कर दिया, ठीक है, मैं ही खुद खड़ा हूँ मान लेते हैं, तो ये मैं अपने आप में क्या हो जाऊँगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या वस्तु कह सकते हो इसको, ठीक है, मुझे एक ऑब्जेक्ट कह सकते हो। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया आके, तो मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ या तो एक फोकस, एक तो आप हिंदी भाषा में बोले तो वस्तु हूँ आपके लिए, ठीक है। अगर मेरी इमेज मान लेते हैं मैं यहाँ खड़ा हुआ, मेरी लाइट मतलब मेरी इमेज इस प्रकार इस पे मिरर पे टकराने के बाद कहीं मान लेते इधर बनती है, मान लेते कहीं हमारी इमेज इधर बन रही है, ठीक है, लेकिन मेरी जो इमेज बन रही है इस प्रतिबिंब पे, इस दर्पण पे उल्टी बन रही है, ठीक है, तो उसमें ठीक है उल्टी सीधी कुछ भी बन सकती है, वो हम कॉन्सेप्ट पहले समझ चुके हैं कि अवतल में कैसे बनता है, उत्तल में कैसे बनता है, वो सब सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो ये जो हमारी इमेज बनेगी, तो इमेज बेसिकली कैसी होती है, आपकी इमेज कैसी होती है बेसिकली, देखो अगर इमेज की बात करें तो इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। एक्चुअली में मैं ऑब्जेक्ट हूँ, जो एक्चुअली आपको पर्सन दिखेगा वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु है जो आपको दिखती है, जैसे अगर डस्टर है तो मैंने इसको क्या किया, एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा, ये आपको ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा, यहाँ मैंने एक डस्टर रख दिया, इसकी जो इमेज नीचे बन जाएगी वो क्या होगी, उसको इमेज बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। बेसिकली आभासी रियल कैसा दिखता है वो सारे कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं ये समझो आप, इमेज किसको कहते हैं ये समझो आप। यू जो होता है दोस्तों, ये मिरर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को बेसिकली हम यू बोलते हैं, और वी जो होता है ये इमेज की मिरर से लेकर डिफरेंस को हम देखते हैं, मतलब दूरी देखते हैं बेसिकली, ये चीज़ें होगी यू और वी में, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कहा था कि यू और वी पॉजिटिव नेगेटिव कब लेते हैं, ठीक है, आप जनरली देखोगे, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया यू वी, एफ बता दिया फोकल पॉइंट था या फोकस दूरी था, मतलब एफ जो है, क्योंकि मिरर आपको पता है कि सारी इमेज कहाँ कन्वर्ज होती है, फोकस पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं, एफ से लेके पोल तक की दूरी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एफ से लेके पोल तक की दूरी को दोस्तों हम फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें हमने बेसिकली पढ़ रखी थी। अब देखो, अब यू कब नेगेटिव होगा ये समझ लेते हैं, ठीक है, एक तो यू के बारे में समझेंगे, एक वी के बारे में समझेंगे, और एक एफ के बारे में समझेंगे, ये तीनों चीज़ें हमें समझनी थी, ठीक है। देखो यू आपका हमेशा नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये वाई एक्सिस के इस साइड है, इस साइड को मैंने क्या बताया था, अभी एक्सिस बताया ना, इस साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये याद रखिएगा आपका हमेशा नेगेटिव होगा, ऑलवेज, ठीक है। तो U जो होगा आपका हमेशा नेगेटिव होगा, ये आप बेसिक टर्म्स याद रखेंगे, ठीक है। अब F की बात करते हैं, ठीक है, F की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मतलब ये फार्मूला हटा देते हैं ना, फार्मूले पे पास लिखता हूँ थोड़ा सा, ऐसे ही रहेगा F की, चलो ए पे नीचे लिखा था हमने F, अगर कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव को बोलते हैं अवतल, अगर अवतल दर्पण है तो एफ आपका नेगेटिव होता है, ठीक है, ये रट के रख लीजिए। और अगर कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण है, ठीक है, तो एफ जो होता है आपका पॉजिटिव होता है। अब याद रखेंगे ये जो मैंने बता दी आपको, ठीक है, एफ़ की वैल्यू कब पॉजिटिव होती है कब नेगेटिव होती है, एक बच्चा पूछ रहा था इसलिए मैंने आपको इसमें बता दिया, कॉनकेव मिरर जब रहेगा तो यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, लेकिन कॉन्वेक्स जब मिरर होता है तो यहाँ पे एफ की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है, ठीक है, इतनी बेसिक चीज़ें याद रखेंगे। उसके अलावा वी की वैल्यू क्या हो सकती है, कि वी की वैल्यू देखो दोस्तों नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों केस में, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों मिरर में, ये हमेशा है, चाहे कॉनकेव मिरर लीजिए चाहे कॉन्वेक्स लीजिए, आपका ये नेगेटिव रहेगा, ये आपका फोकस जो होता है कॉन्वेक्स में आपका नेगेटिव हो जाता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव में नेगेटिव हो जाता है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव हो जाता है। और वी की बात करें तो वी आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, कैसे हो सकता है, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, अगर इमेज यहाँ बन गई तो नेगेटिव आएगा, अगर इमेज इधर बन गई तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें याद रखिएगा। अगर आपकी इमेज इस पोल की इधर बन गई तो आपका जो V है वो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन अगर इसके नीचे बन गई, इधर बन गई कहीं भी, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे दोनों हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। चलिए एक चीज़ और समझ लेते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर, ठीक है, मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर, मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर, ठीक है, इसको आवर्धन क्षमता बोलते हैं, दर्पण की आवर्धन क्षमता, दर्पण की आवर्धन क्षमता, आवर्धन मतलब बेसिकली क्या होता है, कितने गुना बड़ा या छोटा होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है m इक्वल टू होता है, ठीक है, ये m इक्वल टू होता है एच आई अपॉन एच ओ, एच आई अपॉन एच ओ भी होता है, या माइनस
वी वाई यू होता है, ठीक है। अब क्या है ये, देखो एम तो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन का मतलब आवर्धन क्षमता होता है, इसका मतलब ही समझाऊंगा। एच क्या है, हाइट ऑफ इमेज, तो यहाँ पे एच आई का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज, एच आई का मतलब क्या है, एच ई आई जी एस टी, हाइट ऑफ इमेज, बेसिकली जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई है। एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखिए कैसे है ये, सपोज करिए कोई कहता है कि मैंने ऑब्जेक्ट जो है 6 फीट का ले रखा है, मान लेते मेरी ऊंचाई कितनी है, 6 फीट है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे m इक्वल टू लिख रखा है 6 फीट, एच आई, ये अच्छा सॉरी ये इमेज है ना, ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी रखी है 6, तो एच ओ कितना हो जाएगा 6 फीट। अब किसी ने कहा कि मेरी जो प्रतिबिंब बन रही है वो 12 फीट की बन रही है, इमेज जो बनी बन रही है बेसिकली 12 फीट की बन रही है, तो मैंने एच आई क्या है, एच आई देखिए हाइट ऑफ इमेज, तो इस इमेज की हाइट अगर हमें पता चल गई कितनी है 12 है, तो हम क्या पाएंगे m की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ, m की वैल्यू 2 आने का बेसिकली मतलब क्या है ये समझिए आप, ठीक है, कि जितनी इमेज थी मेरी उसका दोगुना इमेज बनेगा, मतलब जितना मेरा ऑब्जेक्ट की हाइट थी उसका जस्ट डबल बनेगा, मतलब ये अगर m की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, ठीक है, उसकी उसका जो इमेज बनेगा वो डबल हो जाएगा। जैसे अगर m हमारा 1 आ जाता, अगर m की वैल्यू 1 है इसका मतलब ये है कि अगर ये 6 फीट का हमने ऑब्जेक्ट लिया तो उसकी इमेज भी कितनी बन रही है, 6 फीट की ही बन रही है, बेसिकली ये है, ठीक है। तो सपोज करिए अगर मैं यहाँ पे फिर से एक बार ऐसे लिखता हूँ आपको, ठीक है, अगर मान लेते हमारी हाइट जो थी एच ओ थी वो कितनी थी 6 फीट थी, और मेरी जो इमेज बनी वो भी 6 फीट थी, तो आप देखोगे 6/6 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है बेसिकली, देखो मैग्नीफिकेशन क्या दिखाता है, मैं आपको समझाते रहूँ, मैग्नीफिकेशन आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट दिखाता है, ठीक है, बेसिकली ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है उसकी हाइट दिखाता है। जैसे अगर m की वैल्यू अगर आपकी हाफ आ जाए, 1/2 आ जाए, राइट, तो इसका मतलब बेसिकली क्या हो जाता है, इसका मतलब बेसिकली दोस्तों ये हो जाता है कि जो आप अगर आपकी इमेज मान लेते हैं 10 फीट की आपने ऑब्जेक्ट को ले रखा था, तो इसकी इमेज कितनी बन रही है 5 फीट बन रही है, मतलब आधा हो गया, ठीक है। अगर ये पे इसकी वैल्यू 4 आ जाती है, m की वैल्यू 4 आ जाती है, तो अगर मान लेते हैं आपने इमेज 10, आपने ऑब्जेक्ट क्या रखा है, ऑब्जेक्ट आपने अपना 10 फीट का ले रखा है, तो इमेज इसकी कितनी बनेगी, 4 × 4 = 40 फीट की बन जाएगी। तो बेसिकली मैग्नीफिकेशन आपको क्या दिखाता है, मैग्नीफिकेशन ये दिखाता है दोस्तों कि वस्तु की हाइट या इमेज कितनी है। देखो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये पूछ दे, कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट दे देता है, आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, ठीक है, उसके बाद कह देगा कि ऊंचाई आप ज्ञात करिए, इमेज की ऊंचाई ज्ञात करिए, और मैग्नीफिकेशन कह देगा 2 है। तो आप यहाँ से ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हो, एच ओ भी ज्ञात कर सकते हो, मैग्नीफिकेशन भी ज्ञात कर सकते हो, तीनों आपसे पूछ सकता है, मैग्नीफिकेशन भी पूछ सकता है, इमेज की हाइट भी पूछ सकता है, इमेज का ऑब्जेक्ट की हाइट भी पूछ सकता है, इसमें कुछ भी पूछ दे तो आप बता सकते हो। ऐसे ही आपको अगर ये दूरी पता चल जाए तो आप दूरियों से भी निकाल सकते हो, जैसे जिसे ये v दे दिया हो, u दे दिया हो, ठीक है, तो उससे भी आप बेसिकली इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन करते हैं बेसिकली, तब आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, मैं क्वेश्चन पूरा तो नहीं लिखता हूँ, बस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए फॉर्मूला छोड़ देता हूँ ना, दोनों फार्मूले छोड़ देते हैं, थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं सीधे सीधे क्वेश्चन लिखता हूँ। ऑब्जेक्ट की जो साइज है, ऑब्जेक्ट की साइज मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट, तो मतलब है कि क्या बोल रहा है, मैं एच ओ बोल रहा है, एच ओ कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कॉनकेव मिरर के सामने 27 मीटर की 27 मीटर इन द फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ इज 18 सेंटीमीटर, ठीक है। जो कह रहा है कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ऐसे ही बनाते समझ में आएगा, कह रहा है कि फोकस तक की दूरी जो है वो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कह रहा है दोस्तों 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 27, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जिसको हम एच ओ बोल सकते हैं, इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये फोकस दूरी है, मानते सेंटर कहीं और है, सेंटर पे है कि नहीं ये देख लेता थोड़ा सा, ठीक है। सच फॉर द मिरर शुड बी स्क्रीन प्लेस्ड सो दैट द शार्प इमेज इन द फॉर्म, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली इसने ये बोला कि ऑब्जेक्ट जो इसकी हाइट है, ठीक है, मतलब फोकस दूरी जो है, फोकल लेंथ है 18 है, तो सेंटर कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा,
अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था आपको कि जो रेडियस होता है ये जो एफ होता है आपका आर बाई टू होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है, आर बाई टू होता है। तो रेडियस जब हमें एफ पता है कितना है, एफ 18 है, तो आर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा सेंटर से यहाँ तक की दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने पढ़ाया था, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा रखा है आपको पहले ही। तो ये 36 हो गया हमें पता चल गया, ये 18 हो गया हमें पता चल गया, एच ओ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 27 है, एच ओ भी हमें पता चल गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका बेसिकली, ये आपका यू है, ठीक है, ये आपकी यू है, ये आपका एफ है। तो आपको एफ पता है, यू पता है, एच पता है, देखो आप कुछ निकाल सकते हो क्या। तो हमें जो ये नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होगी, ठीक है। आप देखो अगर आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कॉनकेव मिरर है, तो अगर फोकस और आपका सेंटर के बीच में है, फोकस और सेंटर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखी है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, सेंटर और इन्फिनिटिव के बीच में बनती है। अगर आपको याद हो तो यहाँ से मैंने बताया था इधर की इसकी इमेज कहीं इधर बनेगी, इसका मतलब 36 से तो बड़ा ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अनंत पे रखी है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं हम लोग, फोकस पे बनती है, और इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखी है तो कहाँ बनती थी, आपकी जो बनती थी दोस्तों वो बनता था आपका इसके बीच में, ठीक है, फोकस और सेंटर के बीच में। तो इसके बाद कोई वस्तु सेंटर पे रखी थी तो कहाँ बनती थी, सेंटर भी बनती थी, और सेंटर और फोकस के बीच में रखी तो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनती है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप पिछली क्लास जिसने पढ़ी होगी उसको समझ में बेसिकली आ रहा होगा, तो आप जाके प्लीज़ उसको पढ़िए। तो अब देखो यहाँ से हमें क्या क्या पता चल गया, हमें एच ओ पता चल गया, मैग्निफिकेशन नहीं पता, एच आई नहीं पता, हमें दो चीज़ें नहीं पता है। लेकिन इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो 1/f हमें पता है, हाँ 18 है, ठीक है, तो हमें h इसकी वैल्यू तो पता चल गई कितनी है, 18 है, ठीक। उसके बाद क्या है, 1/v, क्या v हमें पता है, नहीं v हमें दोस्तों एक्चुअली में नहीं पता है, ठीक है, v हमें नहीं पता है। तो देखो f यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव कोई पॉजिटिव, जस्ट मैंने बताया था आपको f क्या होगा, कुछ देर पहले तो बताया था, कॉन्केव मिरर में आपका निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/18 -18 हो जाएगा, 1/v हमें यही तो निकालना है। u पता है आपको, हाँ u कितनी है, 27 है, कॉन्केव मिरर में u मैंने वैसे भी u हमेशा निगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -27, ठीक है, तो यहाँ पे -27 हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, इसको सॉल्व करेंगे जब आप, 1/v इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/27, ठीक है, -1/18। तो इसको जब एलसीएम ले लोगे आप तो ये आ जाएगा 54, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 18 दूनी, ठीक है, 2 -3, ठीक है, 2 -3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -1/54। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -54। तो यहाँ v की वैल्यू कितनी आ रही है, -54 आ जाएगी। माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का मतलब ये हो जाएगा कि इसकी जो इमेज बनेगी इधर ना बनेगी, किधर बन रही, इधर ही बन रही है। कितनी दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, 54। तो अब देखो यहाँ पे हमें v की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, v की वैल्यू पता चल गई, u की वैल्यू पता चल गई है, तो क्या मैग्निफिकेशन हम निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, कैसे, देखो -v/u है तो हमें सबकी तो वैल्यू पता है ना, माइनस तो माइनस माइनस वो कट जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी, -54, ठीक है, -54 है, u की वैल्यू कितनी थी, -27 थी, यही तो था। अब ये माइनस माइनस इससे कट जाएगा, एक माइनस तो रह ही जाएगा, तो यहाँ पे देखोगे 27 2 54, तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, -2। तो इसका मतलब ये होगा जो इमेज बनेगी, कितनी इसकी हाइट थी, 7 थी, और -2 रखा, -2 आया मतलब क्या है, उल्टी बनेगी प्लस, अगर देखो मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज सीधी बनेगी मतलब ऊपर बन जाएगा, लेकिन नेगेटिव आ रहा है तो इमेज कैसी बनेगी, नीचे बनेगी, ठीक है। इस माइनस सिंबल का मतलब बेसिकली ये होता है, इन्वर्टेड बनेगी बेसिकली। तो 2 आया तो 2 का मतलब जस्ट डबल हो जाएगा, अगर आपको नहीं पता तो जस्ट m की वैल्यू आपको पता चलेगी, m की यहाँ पे वैल्यू पता है, एच ओ की वैल्यू पता है, एच आई की वैल्यू नहीं पता, तो यही पे रख दो, -2, एच ओ की वैल्यू कितनी आई है, ठीक है, 7, और यहाँ पे एच आई निकालना है, तो जब यहाँ से निकालोगे तो आपको यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी हाइट पता चल जाएगी बेसिकली, देख रहे हो। तो एक चीज़ कोई आप बेसिकली ये चीज़ आपके लिए बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये समझ में तब कब आएगा बेसिकली मैं एक समझाना चाह रहा हूँ, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर दोनों चीज़ें अच्छे से कवर की हों, ठीक है। तो जब आप वो चीज़ें अच्छे से कवर करोगे तो बाकी सारी चीज़ें आपकी अच्छे से कवर हो जाएंगी, ठीक। तो आशा करता हूँ आप चीज़ें आपको सही समझ में आई होंगी, थोड़ा ये मैंने मैग्नीफिकेशन वगैरह सब पढ़ा दिया, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लेंस चालू करेंगे तो इसलिए मुझे लग रहा था थोड़ा सा चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ा दिया जाए, ठीक। चलिए और सी सेट में आज हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस ही करेंगे, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग लेंस पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। तो जितनी काम की चीज़ें थी लगभग मैंने आपको बता दी है, एक दो चीज़ें होंगी तो वो हम लेंस पढ़ेंगे, उससे पहले उसको कवर कर लेंगे जो भी रहेगा। तो अब आशा करता हूँ कि आपको, देखो न्यूमेरिकल यूपीएससी में पूछा तो नहीं जाता है, बट मैंने इसलिए बता दिया कि कहीं भी आप अगर अदर एग्जाम दो ना तो आपको ऐसा ना लगे कि सर ने पढ़ाया था, आधा पढ़ा दिया, ठीक है। तो आपको ऑलमोस्ट लगभग सारी चीज़ें इसमें आपने दर्पण में जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।